Hey guys, what's up? तो कैसे हैं आप सब लोग? Welcome back to your own channel, Study More with Deepak यादव. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 2nd of July 2020. तो guys, आज है 2 जुलाई 2020 और है Thursday. देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर. द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी. सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में यहाँ पर एक ओवरव्यू लेंगे पूरे के पूरे न्यूज़पेपर का. ठीक है, जल्द से एक ओवरव्यू लेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन सी न्यूज क्या कहना चाहती है. ठीक है, और इन सारी चीजों से रिलेटेड पीडीएफ्स के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है पीडीएफ्स के लिए और सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्टडी मोर विद दीपक ब्रैकेट में यूपीएससी लिखा. आप देख सकते हैं, जाकर क्लिक करोगे तो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना. और यहाँ पे देख सकते हो आपकी डेली बेसिस पे पीडीएफ सेंड होती है द हिंदू की. ये द हिंदू न्यूज़पेपर ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है आज का. ठीक है, 2nd of July का यहाँ पे सेंड कर दिया गया है. साथ में हमारे चैनल पे दो टाइप के एनालिसिस होता है, एक डिटेल एनालिसिस होता है, एक शॉर्ट एनालिसिस होता है, आप दोनों देख सकते हैं. ठीक है, तो चलते हैं अभी वापस अपने न्यूज़पेपर पे. और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो चलो देखते हैं. सबसे पहले हम लोग अपने न्यूज़ आर्टिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है. सीआरपीएफ जवान मारे गए हैं, ठीक है, सपोर में, जम्मू और कश्मीर में. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो सीआरपीएफ के बारे में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाती है, GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जाता है सीआरपीएफ के बारे में, तो यहाँ पर इसको कवर करना ज्यादा जरूरी है. GS3 में टॉपिक में वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस में आता है. सीआरपीएफ होती क्या है हमारी, सेंट्रल, इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है. एक इंडिया की लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड फोर्स है. और ये किसके अंडर में वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में वर्क करती है. इसका काम क्या है, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके चलना. ठीक है, तो यहाँ पर और क्या चीजें हैं. और नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जो कि अभी तमिलनाडु में पावर प्लांट एक्सप्लोजन हुआ, जो बॉयलर है वो फटा, वो उसके ऊपर आर्टिकल है, डिटेल में है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे एडिटोरियल पर. ठीक है, और आगे बात करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे लिए. साथ में CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में काफी बार आया है आज के न्यूज़पेपर में CAA, तो CAA के बारे में जान लेते हैं. तो हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बारे में, ये जो एक्ट है पास हुआ 2019 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 11 दिसंबर 2019 में. और ये जो अमेंडमेंट है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का ही एक, यहाँ पर इसको ही अमेंड करके ये जो है एक्ट बना है. और जिसमें देखे जाते हैं इलीगल माइग्रेंट जो कि हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी क्रिश्चियन रिलीजियस माइनॉरिटीज जो कि यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर खासकर जो है चीज देखी गई है जैसे कि पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान यहाँ सबसे जो भी इलीगल माइनॉरिटीज इंडिया में आई है, ठीक है, उनको चेक करना और उनको वापस वहां पर भेजना. तो यहां पर इसका ये रोल है. और बाकी चीजें क्या है हमारी, आगे चलते हैं, आगे और क्या इंपॉर्टेंट है. आगे एडिटोरियल पे आ गए, एडिटोरियल होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट. और एडिटोरियल में सबसे पहला आर्टिकल है हमारा ये एक्सप्लोजन के बारे में, जो तमिलनाडु में अभी जो है बॉयलर फटा है उसके ऊपर न्यूज है. डेडली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है. साथ में और क्या चीजें से बता रही है, जो जगह है वो है नईवेली, यहाँ पर जो है थर्मल पावर जो है यहाँ जो एक्सप्लोजन हुआ है बॉयलर का. और ये भी कई बातें कही जा रही है कि जो बॉयलर था वो वर्किंग में नहीं था, ये ऑपरेशन में नहीं था, फिर कैसे फट गया. लेकिन यहाँ पर और चीजें हमें ध्यान रखने के लिए क्या क्या चीजें कही गई हैं, जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी डिमांड करी गई है वो करी गई है कि जो बॉयलर्स हैं उनको ऑपरेट करा जाए ट्रेन पर्सनल के द्वारा, यानी जो जिन अच्छी तरीके से ट्रेन लोग हों, एक्सपर्ट लोग हों, वो इन चीज़ों को हैंडल करें, ना कि यहाँ पर जिनको कुछ पता ना हो वो हैंडल करें, ना तो फिर ऐसे ही एक्सप्लोजन होंगे. और फिर और क्या चीज़ हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स को अच्छी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं कंपनसेशन दे सकते हैं, जो कि लोग मरे हैं उनको कंपनसेशन देना चाहिए. ठीक है, और ये चीज़ें हैं कि जैसे एक्सीडेंट्स हैं, ये सारे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इनको प्रिवेंटेबल बनाया जा सकता है, इनको बचाया जा सकता है, लेकिन हम लोगों को कुछ अटेंशन दिखाने पड़ेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, ये पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है. अब यहाँ पर ये जो तूतुकुड़ी ये जगह है तमिलनाडु में, यहाँ पर क्या चीज़ हुई है, यहाँ पर एक केस हो गया है जहाँ पर एक फादर और सन की डेथ हो गई है कस्टडी में लेकर, पुलिस ने अरेस्ट करके कस्टडी में लेकर ये वहाँ पर कस्टडी में ही इनकी डेथ हो गई है दोनों, यहाँ पर फादर और सन की. और ये एक मोबाइल शॉप के पे काम करते थे, ठीक है, मोबाइल शॉप थी इनकी. तो वहीं से लेकर ये आर्टिकल है कि पूरा का पूरा कि जो जस्टिस है वो यहाँ पर पता नहीं कैसा हो रहा है, पुलिस में रिफॉर्म्स चाहिए. और जो है हम लोगों को ढेर सारे पुलिस में रिफॉर्म्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे स्टेप्स उठाए जाएंगे तो फिर चीज़ें सिचुएशन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब होती रहेगी. क्योंकि ये जो इंसिडेंट है, ये यहाँ पर जो ये ऐसा हुआ है, ये ट्विटर पर भी ट्रेंड करा है खूब, तो ये सिचुएशन जो है बहुत ख़राब हो गई थी. तो उसी को लेकर ये आर्टिकल है. यहाँ पे इतनी बात है कि पुलिस में रिफॉर्म्स चाहिए और जो कोर्ट्स वगैरह हैं, कोर्ट्स में हम लोगों को अच्छी तरीके से डेवलपमेंट चाहिए, यानी कि कोर्ट वगैरह हैं वो अच्छी तरीके से स्टेप उठाएं. जो SC है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको इन चीज़ों में अड़ना पड़ेगा, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. हालांकि जो पहले केसेस आए हैं, पहले के एग्जाम्पल दिए हुए हैं केसेस के, यहाँ पे भी कुछ केसेस का क्या निकला था, डिसीजन क्या निकला था कि जो अरेस्ट करेगा जो है पुलिस वाला अरेस्ट करेगा किसी को भी, वो उसमें कर्ब कर दिया गया है, उसमें उसे कम कर दिया गया है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई थी पहले भी, तो यहाँ पर आगे भी आगे ऐसे स्टेप उठाने
दिखाने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट को ताकि इन सारी चीजों से टैकल करा जाए। तो ये पूरा आर्टिकल उसी के ऊपर है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर यह है कोवैक्सीन वाले के ऊपर, यहाँ पे कोवैक्सीन का अभी क्या होने वाला है, ट्रायल होने वाला है, तो उसी के ऊपर आर्टिकल है। ट्रायल हो जाएगा तो उसके बारे में न्यूज आएगी, तो उसे कवर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे असम के ऊपर न्यूज है। असम के ऊपर क्या न्यूज है, जो असम है उसने गवर्नमेंट से, असम गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो अपनी एक लैंग्वेज है असामीज लैंग्वेज, उसको कंपलसरी करेंगे अपने स्कूल्स में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, यहाँ पे सब में अपना जो है लैंग्वेज ये क्या करेंगे, क्या जो है यहाँ पर इसे एक अपनी लैंग्वेज को कंपलसरी करने वाले हैं, तो उसको लेकर बात है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये जो सबसे मेन काम क्यों करें लैंग्वेज, ठीक है, आसमीज लैंग्वेज अब यहाँ पर ये लोग अलग कर देंगे, तो इसका मतलब तो जो हमारा एक नेशन का दो टुकड़े हो जाना है इसका मतलब, ठीक है। अभी आपने सिचुएशन देखी होगी जैसे कि पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे दो अलग अलग हो गए, ऐसे ही यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। उसके ऊपर आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा और क्या चीज़ है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो है ये है डिजिटल पॉलिसी के ऊपर है कि यहाँ पे इसमें रिफॉर्मिंग्स चाहिए हम लोगों को इंडिया की डिजिटल पॉलिसी में। अगर हम रिफॉर्म करते हैं जो FDI है उसको अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करते हैं तो अपनी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। तो FDI क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर क्या होता है, जो बाहर का बंदा होगा, जैसे चाइना का कह रहा हूँ, जैसे कि अमेरिका का कोई पर्सन हुआ, अमेरिका यहाँ पर आके इंडिया में आके कहीं पर इन्वेस्ट कर देगा पैसा, तो यहाँ पर उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर इसको हम लोग अट्रैक्ट करेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो अपने इकॉनमी को ज़्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और ये कार्टून पिक्चर देख ही सकते हैं, ये उसी के ऊपर है, कस्टोडियल डेथ केस जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, तूतुकुड़ी वाला तमिलनाडु का जो केस है, फादर सन का वही वाला केस पढ़ा था, तो उसी के ऊपर डेथ है कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो जस्टिस है वो यहाँ पर मुंह बंद है, सब कुछ दिख रहा है फिर भी कुछ स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे, ठीक है। उसके बाद और आगे चलते हैं, आगे हमारा जीएसटी रेवेन्यू कितना हुआ है जून का आप देख सकते हो, जून 2020 का 90,970 करोड़ रुपीज यहाँ पे। हालांकि जो जून 2019 से 9% लोअर है, लेकिन फिर भी इतना कम नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा सीबीसीआईडी के बारे में, सीबीसीआईडी के बारे में जान लेते हैं, क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी टेलीग्राम पर, क्योंकि ये चीज़ हो जाती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो जो पहले हम लोग सीबीसीआईडी के बारे में जानते हैं, ठीक है, जो हमारी ये सीबीसीआईडी है, क्राइम ब्रांच, ठीक है, क्राइम ब्रांच, जिसे कि यहाँ पे सीबी क्यों लगा है, इसके आगे क्राइम ब्रांच, और पहले हमारा एक होता है सीआईडी, ठीक है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर इसी से ही दो बढ़ गए, ये दो पार्ट में बढ़ गए, एक सीआईडी हो गया, एक सीआईडी ब्रांच हो गई, एक सीबीसीआईडी ब्रांच हो गई। तो इसके बारे में ये हेड करी जाती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ADGP के द्वारा, और इसे असिस्टेंस कौन करता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP यहाँ पर इसे असिस्ट करते हैं। और ये लोग सीरियस क्राइम होते हैं, सीरियस मैटर होता है, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, राइट, फॉर्जरी, काउंटरफिटिंग, इन सबको यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करा जाता है सीबीसीआईडी के द्वारा। याद रखना दोनों डिफरेंस है सीआईडी और सीबीसीआईडी में। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, आगे लास्ट में हमारी एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो कि एक हम लोगों को स्पीशी मिली है, दो मोर स्पीशीज ऐड हुई है इंडिया की बटरफ्लाई लिस्ट में। इंडिया में जितने भी बटरफ्लाईज उसमें दो मोर स्पीशीज आई हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल, इससे मैं कह रहा हूं कि अभी नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो इसकी बदौलत यहां पर इस बटरफ्लाई की बदौलत यहां पर दो स्पीशी और निकली है। अब ये बटरफ्लाई का नाम क्या है, लेपिडोप्टेरिस्ट, और यहां पर जो इसने ही एक जो इस एक और स्पीशी को डिस्कवर करा है वो है स्ट्रिपेड हेयर स्ट्राइक, यहां पर अब इसका जो है पिक्चर देख सकते। उसके बाद जो दूसरी है स्पीशी मिली है वो एल्यूसिव प्रिंस, अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों को ये स्पीशीज मिली है, ठीक है। आपसे एक मेन क्वेश्चन ये हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश में मिली है, कौन सी दो स्पीशी मिली है, ये दोनों नेम हो गए हमारे, ठीक है, स्ट्रिपेड हेयर स्ट्रिक और एल्यूसिव प्रिंस। उसके बाद किसकी वजह से मिली है, कौन सी बटरफ्लाई की वजह से, ये हमारे लेपिडोप्टेरिस्ट, ठीक है। तो यहां पर गाइज हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है न्यूज़पेपर पूरा अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, सारे आर्टिकल्स देख लिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और गाइज यहां पर एक चीज रह गई है IRDAI के बारे में, यहां पर अच्छा वो नजर पड़ गई है, इंश्योरेंस रेगुलेटर बॉडी है यहां पर, इसके बारे में कवर कर लेते हैं हाथों हाथ जल्दी से। तो जो IRDAI है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनॉमस एक स्टेटरी बॉडी, एक संवैधानिक बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है, प्रमोट करती है इंश्योरेंस को, ठीक है, री इंश्योरेंस करती है चीज़ों को, जो री इंडस्ट्रीज है उनको ऊपर इंश्योरेंस का प्रमोशन होता है या फिर उसको री इंश्योरेंस होता है, उनको रेगुलेशन का काम करने का जो बॉडी जो उनको रेगुलेट करती है वो हमारी IRDAI बॉडी करती है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी इस एक्ट के द्वारा, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के द्वारा 1999 में कॉन्स्टिट्यूट करी गई। साथ में इसकी जो हेडक्वार्टर, वो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद तेलंगाना में, पहले 2001 में दिल्ली में था। उसके बाद IRDAI के 10 मेंबर बॉडी है यहां पर, जिसमें 10 मेंबर है, कौन कौन है, चेयरमैन होता है एक, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, और ये सारे मेंबर्स अपॉइंट कर जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो गाइज यहां पर हमने कंप्लीट इस पर एनालाइज कर लिया है, और आप लोगों से मिलेंगे कल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आप लोगों से मिलेंगे कल। आज के लिए बाय बाय।